नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश प्रजापति। रूस में मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर 55 मिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर यह जुर्माना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया है। इमरान खान इस समय रूस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बीते गुरुवार को मॉस्को पहुंचने पर उनका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि क्या मौके पर उनकी रूस यात्रा हुई है। इमरान खान का इशारा यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर था। इस बात के लिए सोशल मीडिया पर उनकी खूब ट्रॉलिंग हुई है। कई लोगों ने उनके इस दौरे पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि उनका यह दौरा गलत समय पर हुआ है। इमरान खान की रूस में मेहमान नवाजी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे अमेरिका और पश्चिमी देशों को नाराज कर सकती हैं। इसका असर FATF की होने वाली अगली बैठक में दिख सकता है। पाकिस्तान पर FATF की काली सूची में जाने का खतरा बना हुआ है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से पाकिस्तान को कर्ज मिलने की जो उम्मीद बंधी है, उस पर भी पानी फिर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप बताएं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का दौरा जिस समय रूस यूक्रेन पर दावा बोल रहा है और हमले कर रहा है और ये दौरा कर रहे हैं, इस वीडियो को देखकर आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।